मेरे हिसाब से जो सच्चा पुलिसमैन है सबसे पहले तो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए, रिश्वतखोर नहीं होना चाहिए, जो आज के लाइफ में बहुत चल रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जितना सच्चाई के साथ देंगे उतना ही अच्छा रहेगा और हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। पुलिस जो है वो एक सच्चा इंसान होना चाहिए और लाइक हेल्पिंग हैंड्स, हेल्पिंग फूल्स, लाइक जो पब्लिक को ये है प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व करे। जैसे कि अभी क्राइम हो रहा है तो अभी जब अभी दिमाग में कैसे चल रहा है पब्लिक का कि पुलिस हमेशा लेट आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुलिस के साथ आप जाओगे आपका प्रॉब्लम बताओगे तभी पुलिस आपका हेल्प करेगी। अब बिना कारण आप पुलिस का ऊपर ब्लेम करेंगे तो वो गलत है। तो पुलिस को ऐसा ये होना चाहिए, राइट? एक पुलिस वाला ऑनेस्ट होना चाहिए सबसे पहले, देन उसकी क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो ड्यूटी कर रहा है सो उसके लिए ऑनेस्ट हो पूरा अपना काम, क्योंकि आजकल हम देखते रहते हैं कि पुलिस अपनी वर्दी पहन के कहीं भी घूमते रहते हैं, कुछ भी जो भी है उनके फैमिली के वर्क भी होते हैं वो अपनी गाड़ी से ही करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि जो अपनी ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी करे और फैमिली टाइम पे फैमिली को टाइम दे। और सबसे बड़ी चीज़ कि आज करप्शन इतना बढ़ गया ना कि वो आधी से ज़्यादा पुलिस बढ़ा रही है उस चीज़ को। तो सबसे पहले जितना हम लोगों का हाथ है उतनी पुलिस का है, तो कोई भी क्राइम होता है तो पुलिस रोक सकती है उसे, तो सबसे पहली ड्यूटी उनकी यही बनती है। तो मेरे हिसाब से एक ऑनेस्ट होना ही बहुत बड़ी चीज़ है जो कि पुलिस वाले में होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। रिपब्लिक एंड दे शुडंट हेजिटेट टू हेल्प पीपल इन टाइम ऑफ एक्सीडेंट और एनी ट्रैफिक प्रॉब्लम इज देयर। जनरली दिस डज नॉट हैपन लाइक दैट बिकॉज वी आर वेरी अप्रिहेंसिव ऑफ हेल्प फ्रॉम पुलिस, सो वी जनरली डोंट एक्सपेक्ट देयर हेल्प एंड वी ट्राई टू रन अवे फ्रॉम एनी प्रॉब्लम। So they should be more relaxing towards ordinary people.